आज हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुक विद रंजना। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। यहाँ मैंने आलू और गाजर लिए हैं, आप इसमें गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें इस तरह से हम काट के कुकर में डाल देंगे और इसी तरह से हम गाजर को भी काट के डाल देंगे। यहाँ मैंने 6 आलू और 5 गाजर लिए हैं, 1 कप मटर इसमें डाल देंगे और इसमें मैंने आधा बीटरूट लिया है, इन्हें भी हम काट के इसमें डाल देंगे। बीटरूट डालने से हमें कश्मीरी मिर्च पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और इससे इनका कलर और स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। 6 हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे और 1 कप इसमें हम पानी डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है आप इन्हें ऐसे ही मिलाएं, आप चम्मच की सहायता से भी इन्हें मिला सकते हैं। कुकर का ढक्कन बंद करके इन्हें हम 5 सीटी आने तक वेट करेंगे। सब्जी अच्छे से गल चुकी है, ये देखिए। अब इन्हें हम मैशर की सहायता से इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। आपके पास अगर मैशर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गिलास के उल्टे साइड से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। सब्जियाँ सॉफ्ट होगी, वो आराम से मैश हो जाएंगी। सब्जियाँ अच्छे से मैश हो चुकी हैं, ये देखिए। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। तो यहाँ एक पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम मक्खन डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ी सी जीरा डाल देंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने 2 बड़े प्याज जिन्हें बारीक काट लिया है वो भी इसमें हम डाल देंगे। तेज आंच पर इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने पर यहाँ पर मैंने 2 बड़े शिमला मिर्च जिन्हें बारीक काट लिया वो भी इसमें डाल देंगे, इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 बड़े टमाटर लिए जिन्हें बारीक काट लिए वो भी इसमें डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखा और नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। अब 5 मिनट के लिए इन्हें हम ढककर पकाएंगे जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, प्याज शिमला मिर्च सब अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब जो हमने सब्जियों को मैश किया था वो इसमें हम डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब मैशर की सहायता से इन्हें अच्छे से मैश करेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम 1.5 कप गर्म पानी डालेंगे। और इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद इन्हें हम ढककर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। फ्लेम मीडियम टू लो ही रहना चाहिए। 5 मिनट के लिए इन्हें और ढक देंगे। 5 मिनट के बाद देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। भाजी अगर आपको थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी और मिला सकते हैं, मगर यहाँ भाजी बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। अब इसमें ऊपर से 1 चम्मच और मक्खन डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे। भाजी का कलर और टेक्सचर देख के आ रहा है ना मुंह में पानी। अब ये सब करने के लिए तैयार है। आप इन्हें पाव या ब्रेड के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे मार्केट में मिलता है। चलिए वैसे बनाते हैं। अब हम यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने को रख दिया, इसमें हमें 1 चम्मच मक्खन डालेंगे। इसमें अब हम थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर और पाव भाजी मसाला डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया में डाल देंगे, इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब जितनी हमें सर्व करनी है उतनी हम भाजी इसमें डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और मैशर की सहायता से इन्हें अच्छे से मैश करेंगे। भाजी अगर आपको गाढ़ी लग रही है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। पाव को रखने के लिए हम इसमें जगह बना लेते हैं।
अब इसके किनारे पे हम दो पाव रख दे रहे हैं। ठेले जैसी भाजी तैयार हो चुकी है, चलिए इन्हें हम सर्व करते हैं। तो इन्हें एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। और पाव को भी बटर लगा के हम इन्हें सेक लेंगे। तो थोड़ा सा और बटर डाल दिया है, अब पाव को इनमें हम सेक लेते हैं। अब चलिए इन्हें अब हम सर्व करते हैं। पाव की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। झटपट से तैयार हो गई हमारी पाव भाजी, आप भी इन्हें बनाकर खाइए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें और इस रेसिपी को एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय।